हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। सो स्टूडेंट, आप सबको बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि अभी आपका जस्ट एग्जाम होने वाले हैं सेमेस्टर थ्री के। इसमें अगर आप एसएससी पेपर में एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ लिए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन सर, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्रिएट हुआ कि सर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे या सब्जेक्टिव, तो हम तैयारी कैसे करें? तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव, ये यूनिवर्सिटी से कोई तय नहीं हुआ है अभी तक। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको दोनों को तैयारी करना है, चाहे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो या सब्जेक्टिव से रिलेटेड हो, दोनों का प्रिपेयर होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा कंडीशन, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं सोचना है कि सर हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही करना है, हमें सिर्फ सब्जेक्टिव ही करना है, ऐसा कोई बात नहीं। सबसे पहला कंडीशन, अगर आपके एग्जाम में आते हैं इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते आपका एग्जाम होता है, याद रखिएगा 8 मार्क्स का, अगर मान लेते ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में हो रहा है, तो 8 क्वेश्चन होगा आपका ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, बाकी जितना भी क्वेश्चन होगा यानी 30 क्वेश्चन होगा शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड होगी, यानी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट है जो मेरे इस वीडियो को देख चुके हैं, जहां पे मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमारे एप्लीकेशन पर ऑलरेडी अवेलेबल है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए, तो जल्द से जल्द हमारे ऐप को डाउनलोड करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद ओनली फॉर आपको 99 रुपीज में सेमेस्टर थ्री का पूरा सेम पेपर, यानी सेम पेपर में चाहे आप एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ लिए हैं या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ह्यूमन राइट्स लिए, कोई भी पेपर लिए, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किए, तो बिल्कुल आपको ज्वाइनिंग करना है। और यहाँ देखिए, इसमें आपको फोन पे करना है, मैंने जब सब कुछ इसमें बता के रखी ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। हमारे टेक्निकल टीम का व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप बता सकते हैं कि इसमें कोई भी दिक्कत ही होगी, इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप बोल सकते हैं कि सर हमें 99 रुपीज पे करना है कैसे, तो सब कुछ इसमें आपको बताया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास को स्टार्ट किया जाए और एक ही क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिए। अभी जो मैं बताने वाला हूँ वह है आपका एक ही क्वेश्चन का आपको ध्यान पूर्वक स्टडी करना है। ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप अच्छी तरह से हमारे एप्लीकेशन पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का क्रिएट होता है वो है मानव और पर्यावरण पर निबंध लिखिए। मानव और पर्यावरण यानी मानव यानी ह्यूमन, जिससे हम लोग ह्यूमन बींग है, और पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंटल। ह्यूमन और इन्वायरमेंटल को बीच में आपको कॉम्बिनेशन बताना है कि किस तरह से हम लोग एक पर्यावरण में एक मानव रहते हैं, ए टू जेड। इसमें आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना बेहतरीन तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप पेपर में डिस्टर्ब एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। मैं उम्मीद करता हूँ डिस्टर्ब कि आप बहुत ही कम समय है आपके पास, और ए टू जेड जैसे लिखा है कि मैन एंड इन्वायरमेंटल इजी ऐसे इन हिंदी, आपको लिखना है हिंदी में। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास को स्टार्ट किया जाए। यहाँ पे एक एक पॉइंट को आपको ध्यान पूर्वक देखना है, मुझे पता है कि वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो आपको अच्छी तरह से सिर्फ समझना है। स्टार्ट किया जाए, मानव और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर है। बिल्कुल ये बात सही है कि मानव और पर्यावरण जो है एक दूसरे पर निर्भर है, ये बात बिल्कुल सच है। पर्यावरण के बगैर मानव का कोई अस्तित्व नहीं है, अगर पर्यावरण ही ना रहे तो मानव का कोई भी अस्तित्व यहाँ पे नहीं होंगे। दूसरा, अब आगे बढ़ते हैं, और मानव के बगैर पर्यावरण भी अधूरा है, यानी ना तो मानव के बगैर पर्यावरण हो सकता है, नहीं पर्यावरण के बगैर मानव। इससे हमें पता चलता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही मजबूत तरह से जुड़ी हुई है, यानी पर्यावरण होने के लिए मानव चाहिए और मानव को जिंदा रहने के लिए हमें पर्यावरण चाहिए। कंडीशन आगे बढ़ते हैं, हम सभी जीव एक पर्यावरण में रहते हैं, पर्यावरण में कई तरह के पेड़ पौधे जीव जंतु जलवायु आदि जो हमारे लिए अति आवश्यक है, यानी अगर पेड़ पौधे ना रहे तो हम शोषण कहां से करें, पोषण कहां से करें। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पता चला कि पर्यावरण में जीवित रहने के लिए यानी मानव को जिंदा रहने के लिए पर्यावरण उनके लिए अति आवश्यक है। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों को मेरे बातों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, तो एक यूजर आपको इसको फॉलो करना है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे क्राइटेरिया क्या है। पर्यावरण की आवश्यकता तत्वों की हर किसी को आवश्यकता होती है, पर्यावरण में जितना भी सामान है यानी आपकी चाहे जल हो, वायु हो, या पेड़ पौधे हो, फल फ्रूट जितने भी है, पर्यावरण की आवश्यक तत्वों की हर किसी की आवश्यकता होती है। जलवायु, मिट्टी, सूर्य के बगैर जीव जंतु का कोई अस्तित्व नहीं होता है, यानी कि सूर्य के बगैर जो है कोई भी जीव जंतु अच्छे से जीवन यापन नहीं गुजार सकते हैं। आगे लिखा है कि यह जीव जंतुओं के लिए आवश्यक तत्व है, मनुष्य सबको जानता है, मनुष्य सबको जानता है कि पर्यावरण हम सब सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य को पता है कि पर्यावरण जो है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे ह्यूमन लाइफ में। आगे देखिए, लेकिन मनुष्य सबको जानते हैं भी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ज्यादा कोई कदम नहीं उठा रहे। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि आज जो है ना पर्यावरण को काट कर काफी ज्यादा पर्यावरण को काटने के बाद जो है एक घर, इमारत, बहुमंजिले घर बनाए जा रहे हैं,
और साथ ही साथ हमें श्वसन यानी जो हमें सांस लेने की प्रॉब्लम जो अभी हो रही है ये इसी कारण से हो रहा है कि क्योंकि अभी जो हमारी जनसंख्या है बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने से पेड़ पौधे की कटाई होती है, आप सबको पता है पेड़ पौधे की कटाई होने से वायु की है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जिससे हमें दम घुटना स्टार्ट हो जाता है। आगे देखिए, मनुष्य अपने स्वास्थ्य के लिए दिन प्रतिदिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल सही बात है कि मनुष्य अपने स्वास्थ्य के लिए यानी अपने स्वार्थ के लिए अपनी खुशी के लिए अपने सब कुछ के लिए पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसी तरह से आपको नोट करना है ये सब अपने बातों को। आप पेड कोर्स में आप चाहते हैं कि सर तो हम बिल्कुल हमारे एप्लीकेशन पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आगे यहाँ पे आते हैं, अगला कमीशन क्या है, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। आज हम देखें तो पर्यावरण उपस्थित पेड़ पौधे हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन हमें लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एवं लकड़ियां, गोंद, फल, फूल, पत्तियां आदि भी हमें पेड़ से ही प्राप्त होती है। इन ये सब जितना भी कुछ है हमें पेड़ से ही प्राप्त होती है, लेकिन हम सभी अपने निजी स्वार्थ की वजह से आधुनिक युग में पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, यह सही बिल्कुल नहीं है। हमें सब कुछ पता है कि पर्यावरण से हमें फल, फ्रूट्स, दवा, जड़ी बूटी, लकड़ी सब कुछ हमें मिलते हैं, फिर भी हम पर्यावरण की जो है सुरक्षा नहीं करते हैं। ये मानव की सबसे बड़ी गलती है। आगे स्टेप पे आते हैं कि आज हम देखें तो लोग इस वैज्ञानिक युग में इतने आलसी हो चुके हैं कि वह सिर्फ कम से कम दूरी तय करने के लिए भी वाहनों का उपयोग करते हैं। आप सभी को पता है थोड़ा सा पहले जमाने में क्या होते थे, बात को समझिए। पहले जमाने में क्या होते थे कि एक दूर भी डिस्टेबल अगर हमें दूर भी डिस्टेंस जाना पड़ता था तो हम पैदल जाते थे या साइकिल लेके। अभी क्या हो रहा है, अगर हमें 1 किलोमीटर अगर कहीं जाना है या हाफ किलोमीटर भी जाना है या 100 मीटर भी जाना पड़ता है तो हमें बाइक लेके जाना पड़ता है। मनुष्य इतना आलसी हो चुके हैं, जबकि आलसी नहीं होना चाहिए। वाहन का प्रयोग करते हैं, इन वाहनों का उपयोग तेजी से हो रहा है। अब वाहन तेजी से बढ़ रहा है, जैसे जैसे वाहन तेजी से बढ़ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि वाहन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारे पर्यावरण को डायरेक्टली इफेक्ट पहुंचाते हैं और ये पर्यावरण जो है वो प्रदूषित कर देते हैं और वो जो है ऑक्सीजन को भूलने के साथ साथ हमारे जब हमारे इनहेल होते हैं हमारे नोज से यानी नाक से तो हमें तरह तरह की बीमारियां स्टार्ट हो जाती है। इन वाहनों का उपयोग तेजी से हो रही है, वाहनों से निकलने वाले हानिकारक धुआं वायु पर्यावरण को प्रदूषित करता है जिससे इस पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक जीव पर काफी दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। काफी दुष्प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। पर्यावरण में उपस्थित जीव जंतु मनुष्य प्रदूषण के वातावरण में जी रहे हैं और जितना भी सब कुछ है जीव जंतु, तो जीव जंतुओं का मतलब सिर्फ मनुष्य नहीं, जीव जंतु मतलब जानवर है या जीव जंतु है, छोटे कीड़े मकोड़े सब कुछ के लिए हानि पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ी की जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो मनुष्य के लिए ऑक्सीजन के लिए काफी ज्यादा है हानिपूर्वक गैस। आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और एक एक स्टेप को फिर से देखते हैं। पर्यावरण के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक जल, जो पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह इसमें से एक जल है। इस जल का उपयोग मनुष्य ठीक तरह से नहीं करते हुए कई तरह से जल को प्रदूषित कर रहा है। जो जल है चाहे वह नदी का जल हो या तालाब का जल हो या कुएं का जल हो, काफी तरह से वो प्रदूषित कर रहे हैं मानव, जिससे कई तरह की बीमारियां चारों ओर फैल रही है। अब क्या करते हैं ना कि कुएं के सामने अगर हम पानी को इकट्ठा करके रख देते हैं तो मलेरिया, डायरिया ये सब फैल जाते हैं। मलेरिया फैलते हैं क्यों? क्योंकि पानी इकट्ठा होने से मच्छर पैदा होती है और मच्छर पैदा होने से हम काटते हैं तो काटने के बाद हमें मलेरिया हो जाती है। हम सभी को चाहिए कि जल का सदुपयोग करें और जल को प्रदूषित होने से बचाएं। बिल्कुल सही बात है कि हम सबको चाहिए कि हम जल को रोके, ऐसे जगह पे जल को बहाए जहां पे पानी जमे ना। और याद रखिएगा, हमें अगर प्रदूषण से बचना है, प्रदूषित से बचना है तो जल और हवा दोनों का अच्छी तरह से हमको रखना है एनवायरमेंटल में। आज हम देखें तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण कई जीव जंतु पशु पक्षी धीरे धीरे लुप्त हो जा रहे हैं। बिल्कुल हम लोग अभी जस्ट देख रहे हैं कि पर्यावरण के नुकसान के कारण पहले जमाने में कितने हम चील, गिद्ध, कौवे, कबूतर, तोते सब कुछ कितना हम लोग देखते थे, पर आज के दौर में आप उतना नहीं देख रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि अभी पर्यावरण जो है असंतुलित हो चुकी है। अब असंतुलित कहां से हो रही है? क्योंकि देखिए हमारे पर्यावरण जो है काफी ज्यादा मानव इफेक्ट पहुंचा रहे। पर्यावरण चाहे वो जल से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके पर्यावरण जो है प्रदूषण से रिलेटेड हो, तो हम लोगों को चाहिए कि आप लोग अगर बैलेंस करके रखें पर्यावरण को तो उसमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य इतना स्वार्थ हो चुके हैं कि वो अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ को हानि पहुंचा रहे हैं पर्यावरण से रिलेटेड। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। पहले जहां
गांव में हरियाली देखने को मिलती थी, चारों ओर पेड़ पौधे नजर आते थे, पशु पक्षी की चहचहाने की आवाज आती थी। लेकिन आजकल इस आधुनिक दौर में ऐसा दृश्य बहुत ही कम देखने को मिलता है। मनुष्य ने शहरीकरण की आड़ में अपने पर्यावरण के नुकसान पहुंचाता है। आज मनुष्य के इन क्रियाकलापों की वजह से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। आजकल हम देखते रहे कि बिना बिन मौसम पर बरसात होती है, ठंडा में भी गर्मी लगती है और गर्मी में भी हमें सर्दी लगती है। ये किस लिए हो रही है? आप सबको पता है कि हमें इकोसिस्टम यानी पर्यावरण एनवायरमेंटल को हम लोग बैलेंस करके नहीं रखे। आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेप फिर से देखते हैं। यहाँ पे ये जो हम अभी जस्ट आपको बता रहे हैं, कौन से क्वेश्चन कैसे बता रहे हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। ये हम बता रहे हैं मनो और पर्यावरण पर एक निबंध लिखे थे, मानव और पर्यावरण ह्यूमन एनवायरमेंटल में किस तरह कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इससे रिलेटेड मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। आगे यहाँ पे देखते हैं, कभी कभी बरसात के मौसम में भी बरसात नहीं होती। बिल्कुल सही बात है कि बरसात के मौसम में, जैसे अभी हम सबको देखने को मिल रहा है कि बरसात के मौसम में भी बरसात हमें देखने को नहीं मिलता है। इस तरह के दृश्य पर्यावरण असंतुलित वजह से ही हम सब मनुष्य को चाहिए कि हम पर्यावरण का संतुलन बनाए रखें। बिल्कुल सही बात है कि हम लोगों को चाहिए क्या कि पर्यावरण को संतुलित बना के रखे, पेड़ पौधे लगाए, जल प्रदूषण वायु प्रदूषण ना होने दे, प्राकृतिक चीजों का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, कृषि में जैविक खादों का उपयोग करें। हम चाहिए कि हम जंगलों को नष्ट ना करें। हम लोगों को चाहिए कि हम जंगलों को नष्ट ना करें। आगे देखते हैं, यहाँ पे आप लिखा हुआ है एक एक क्वेश्चन का, अपना अपनी कॉपी में नोट करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चाहते हैं कि सर हमें इसी तरह से बेहतरीन तरीके से तैयारी करना भी, जैसे एग्जाम अभी आप लोगों का नजदीक है, इन सब क्वेश्चन का अगर करके आते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपके पेपर में इससे बाहर आपसे नहीं पूछे जाने वाले हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जंगलों के अंधाधुंध कटाई को रोके। अब जो जंगल है, अगर हम लोग जंगल के कटाई को रोकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे पर्यावरण इकोसिस्टम जो है वो बिल्कुल बैलेंस होकर रहेंगे और हमें कोई बीमारी से हमें बचने को मिलेंगे। इकोसिस्टम को हम लोगों को सही रखने से पहले हम लोगों को करना पड़ेगा क्या, हम लोगों को पेड़ पौधे की कटाई ना करना चाहिए। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करें, लोगों को बताएं कि पर्यावरण से मनुष्य को कितना प्रॉफिट होती है, जिससे कोई भी पर्यावरण नुकसान ना पहुंचे। अब जिससे भी हम लोग अगर मनुष्य को बताते हैं तो इससे कोई भी मानव अगर समझ जाते हैं तो पर्यावरण से कोई भी नुकसान नहीं होगी। इस तरह से हम खुद जागरूक होकर दूसरों को जागरूक कर सकते हैं और इस तरह से हम पूरे जागरूक होकर दूसरों को जागरूक कर सकते हैं और इससे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। और पर्यावरण को अगर हम लोग बचाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पर्यावरण और ह्यूमन यानी आपका जो एनवायरमेंटल है और ह्यूमन है, अगर इन दोनों पर बैलेंस बना कर रहे कि इससे रिलेटेड कोई भी डिजीज यानी बीमारियां नहीं होगी। तो सॉल्यूशन यहाँ पे जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है किसकी रिगार्डिंग, तो एक ह्यूमन जो है एक एनवायरमेंटल में किस तरह सर्वाइव करते हैं इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% ऐसे टपकने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा उस कैंडिडेट तक इस वीडियो को शेयर करें जो अभी जस्ट एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हमें लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन करवाते रहे तो बिल्कुल हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करें कि वीडियो देखने के बाद आप लोग कैसा फील हुआ। तो चलिए हम लोग एक न्यू वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।